नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 33 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज करी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और यहाँ पर बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दो ऐसे बड़े जो दोस्त कहे जाते थे राजनीति के तौर पर, लेकिन इस बार शायद इस उपचुनाव में वो दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते नजर आए। दरअसल नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद, अब जब से उन्होंने जीत दर्ज करी है तब से कहीं ना कहीं चर्चा है कि अब अपने परिवार की एंट्री चंद्रशेखर आजाद राजनीति में कराते नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट में आने वाली मीरापुर विधानसभा सीट पर अब विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं। दरअसल यहां पर चेतन चौहान जो थे विधायक थे इसी बिजनौर से, देखिए यहां पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा और बिजनौर से उन्होंने जीत दर्ज कर। अब ऐसे में जो मीरापुर की जो सीट है वो खाली हो चुकी है और इस सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीटों पर दलितों का भी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इसी सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है इसी सीट से जयंत चौधरी भी अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू सिंह को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, अब ये भारतीय जनता पार्टी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी पार्टी मीरापुर सीट जयंत चौधरी को देती है या फिर अपने खाते में रखती है। लेकिन हमने जो शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दो दोस्तों को आपस में भिड़ा दिया, इसलिए कहा क्योंकि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद किसी समय में एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अगर इस सीट पर ये दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े होकर दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं जंग जरूर होगी। मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जयंत चौधरी को दी उन सभी सीटों पर जयंत चौधरी ने जीत दर्ज करी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत का जो पगड़ा है वो उत्तर प्रदेश में भारी दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जयंत मीरापुर सीट की मांग कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जयंत को देनी पड़ जाएगी। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जयंत चौधरी इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ूंगा। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मीरापुर सीट पर अगर जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू सिंह को चुनावी मैदान में उतारते हैं और इसी सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो आखिरकार इस सीट पर किसकी जीत दर्ज होती दिखाई देगी, क्योंकि जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अभी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी है। पहली बार चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं और यहां पर जयंत चौधरी की बात करी जाए तो विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है। जयंत चौधरी के परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आजाद के परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे में आजाद के लिए शायद जयंत का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।